हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह ने मंगलवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से प्रदेश में और स्थायी एवं खेल पुनर्वास केंद्र खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि वैश्विक महामारी के दौरान प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आह्वान पर वॉलंटियर्स कार्यक्रम के तहत 99,424 स्वयं सेवकों ने पंजीकरण करवाया है, जिनमें स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए 1361 डॉक्टर्स, 1172 नर्सिस, 3003 पैरामेडिक्स तथा 237 टेली कंसल्टेंट शामिल हैं। प्रदेश में वॉलंटियर्स द्वारा किए गए कार्यों को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा सराहना की गई है। उन्होंने बताया कि रबी की खरीद में भी इन वॉलंटियर्स की मदद ली गई। खेल मंत्री ने बताया कि खेल एवं युवा मामले विभाग द्वारा खिलाड़ियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेब पोर्टल बनाया जा रहा है। इससे खिलाड़ी स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड तथा कैश अवार्ड के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से टूर्नामेंट मैनेजमेंट सिस्टम, रिसोर्स मैपिंग सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जैसी अनेक सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। खेल राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान खिलाड़ियों को व्हाट्सएप, फेसबुक तथा यूट्यूब के माध्यम से उनकी कमजोरियों के सुधार के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत हरियाणा ने हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है। वर्ष 2017 में प्रदेश ओवरऑल चैंपियन तथा वर्ष 2018 व 2019 में द्वितीय स्थान पर रहा और आशा है कि प्रदेश खेलों में आगे भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखेगा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।